राजस्थान स्टेट ओपन की 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 12वीं का रिजल्ट जहां 34.82% रहा, इस बार भी महिलाओं का रिजल्ट पुरुष अभ्यर्थियों के मुकाबले कहीं अधिक अच्छा रहा। महिला अभ्यर्थियों का परिणाम 39.63% रहा तो वहीं पुरुष अभ्यर्थियों का परिणाम 30.18% रहा। पुरुष वर्ग में पराक्रम सिंह ने टॉप किया है, जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो वहीं विंस विश्नोई ने महिला वर्ग में टॉप करके मीरा पुरस्कार जीता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रिजल्ट जारी करने के बाद सभी टॉपर्स को बधाइयां दी। आठ 2% रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% से ज्यादा रहा है। इस स्टेट ओपन के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना करियर बना सकते हैं। बहुत नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस होती है। आज के इसमें दसवीं में राज्य भर में हमारे वीनस बिश्नोई 81.80% अंक प्राप्त किए हैं और हमारे एकलव्य पुरस्कार के लिए विक्रम सिंह शेखावत हैं, उन्होंने 87.20% अंक प्राप्त किए। मेरी 99.92% आई थी जेई मेंस में और लगभग 1148 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में थी। आप भविष्य में कौन सा विषय चुनना चाह रहे हैं जेई मेंस? मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग चुनना चाह रहा हूँ जी। नव भारत कोचिंग के बारे में मुझे एक पुराने ट्यूटर ने एडवाइस किया, उन्होंने कहा सबसे बढ़िया जगह जयपुर में इन प्रकार के एग्जाम्स के लिए, और उनकी बात बिल्कुल सही थी। मैं यहाँ पे आता था रोज़ाना और अच्छी पढ़ाई होती थी यहाँ पे। मुझे घंटों सर ने बैठ के पढ़ाया था और उनकी वजह से इतने नंबर आए हैं मेरे। सर ने मेरा कोर्स लगभग 2 महीने के अंदर पूरा करा दिया, करीब 6।